फ्लेक्स सेटिंग दोस्तों, बेसिकली जब हम किसी भी डिवाइस के जरिए जो है काम करते हैं क्रोम ब्राउज़र पर, तो हमें एक जो है सेटिंग को अलाउ करना पड़ता है। अगर ये सेटिंग जो है अलाउ नहीं करते हैं तो इसके बिना हम जो है मॉर्फो डिवाइस या जो है मंत्रा डिवाइस से क्रोम पर वर्क नहीं कर सकते हैं, या जो है कह सकते हैं कि इसके बिना जो है फिंगरप्रिंट डिवाइस काम नहीं करती है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, जो है क्रोम ब्राउज़र में जाकर जो है क्रोम फ्लेक्स जो है इनवैलिड सर्टिफिकेट्स होते हैं उनको अलाउ करना होता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर एक नई जानकारी के साथ इस महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं कि आप अपने जो है कंप्यूटर में या पीसी में जो भी जिसमें भी आप फिंगरप्रिंट डिवाइस को वर्क करना चाहते हैं, आप सीएससी के किसी भी पोर्टल पर वर्क करते हैं या किसी अन्य वर्क जो है आप जो भी वर्क करते हैं उसमें आप क्रोम ब्राउजर पर अगर आप सेटिंग करना चाहते हैं इस फिंगरप्रिंट डिवाइस की, तो इसके लिए आपको क्रोम फ्लेक्स को कैसे ओपन करना है। सबसे पहले हम जो अपने ब्राउजर में आपको क्रोम पर लेकर चलते हैं। यहाँ आपको सेटिंग में लिखना, सर्च में लिखना है क्रोम। उसके बाद जो है आप जैसे देख सकते हैं इस तरह से आपको लिखना है सेटिंग्स, और सबसे पहले आपको क्रोम की सेटिंग्स ओपन कर लेनी है। तो आप जैसे भी देख सकते हैं यहाँ पर जो टाइप किया है उसमें जाएंगे, सबसे पहले आपको क्रोम का वर्जन चेक करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं क्रोम वर्जन चेक करने के लिए आपको अबाउट क्रोम में जाना होगा। तो अबाउट क्रोम में यहाँ पर देख लेंगे चेकिंग फॉर अपडेट्स, यहाँ पर आपको देखना ये अप टू डेट होना चाहिए आपका, बिल्कुल करेंट डेट से जो है करेंट आपका अपडेट वर्जन होना चाहिए। यहाँ पर अपडेटेड वर्जन अगर नहीं है तो यहाँ से आप अपडेट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपना टाइम एंड डेट देख लेंगे, वो बिल्कुल आपका बिल्कुल कंप्यूटर से जो है नेट के माध्यम से मिला हुआ बिल्कुल करंट टाइम या डेट जो भी है होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर एक छोटा सा और भी सेटिंग करना रहता है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाएंगे, आपको यहाँ पर नीचे और स्क्रॉल करते हुए जाना साइट सेटिंग में। साइट सेटिंग में भी एक आपको छोटी सी सेटिंग करनी है, इसको भी आप कर लेंगे तो इससे जो है और स्मूथ वर्क करता है और ये किसी भी तरह की कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है और आपका डिवाइस जो बढ़िया वर्क करता है। तो यहाँ पर पॉपअप एंड रिडायरेक्ट्स इनको जो है आपको क्या करना है, डोंट अलाउ कर देना है। तो यहाँ पर जो है अगर आपका ऑलवेज अलाउ पे टिक है तो यहाँ पर आपको डोंट अलाउ करने के बाद में यहाँ पर सेव कर देना है। तो आपने ये काम कर लिया, अब इसके बाद आपको ब्राउजर में जाना है जहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं, तो वहाँ पर इसको जो है सेटिंग्स कुछ एडिट कर देते हैं। यहाँ से पीछे से जो हमारा टाइप हुआ है उसको कुछ हटा देते हैं। इसमें आपको क्रोम के बाद इसमें जो है हमें लिखना है फ्लेक्स, क्रोम फ्लेक्स इस तरह से, जैसे आप देख सकते हैं जैसे लिखा हुआ आ रहा है इसी तरह से आपको टाइप करना है दोस्तों। क्रोम फ्लेक्स जैसे ही लिखेंगे तो उसके बाद में आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से सर्च फ्लेक्स का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर अलाउ इनवैलिड सर्टिफिकेट अगर ऊपर आ जाता है तो बढ़िया बात है, अगर नहीं आता है तो ऊपर आपको टाइप करना है लोकल होस्ट। आपको सर्च में यहाँ पर येलो सी एल लोकल लिख कर सर्च करेंगे तो यहाँ लोकल होस्ट ये अलाउ इनवैलिड सर्टिफिकेट्स आ जाएंगे। इनमें आपको जो है रिलॉन्च कर देना है इसको, अगर आपका जो है डिसेबल्ड है तो यहाँ पर आपको इनेबल करना होगा। तो इनेबल करने के लिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा डिफ़ॉल्ट, यहाँ पर आपको लिखना है ऊपर लोकल LOCAL, जैसे ही आप लिखेंगे लोकल तो यहाँ पर सबसे ऊपर आ जाता है यहाँ पर लोकल होस्ट। तो यहाँ पर अभी ये आपका सबसे पहले यहाँ पर डिसेबल हुआ रहेगा, डिसेबल जो है होता है तो यहाँ पर आपको डिसेबल्ड की जगह इनेबल कर देना है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखा आ रहा होगा डिसेबल, तो डिसेबल की जगह यहाँ पर आपको इनेबल कर देना है। इनेबल आप जैसे ही करेंगे तो ये इनेबल्ड हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर नीचे आपको रिलॉन्च कर देना है। तो यहाँ इस तरह से रिलॉन्च करेंगे तो आपका क्रोम ब्राउजर दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। दोबारा स्टार्ट होने के बाद ये आपकी सेटिंग हो गई है। इसके बाद मॉर्फो डिवाइस या मंत्रा डिवाइस जो भी आप यहाँ पर जो है कनेक्ट करना चाहते हैं अब आपका जो है प्रॉपर वर्क करेगा इस ब्राउजर पर। अगर आपको जो है मॉर्फो का डिवाइस काम नहीं करता है आपकी ब्राउजर में, तो मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट में जो है पूरी सेटिंग का लिंक दे दिया है, आप किस तरह से मॉर्फो डिवाइस को अपने जो है क्रोम ब्राउजर में या जैसे भी आप जिस भी सर्विस में वर्क करना चाहते हैं उसमें कैसे चला सकते हैं उसके लिए पूरा वीडियो देखिए दोस्तों। 100% सॉल्यूशन आपको मिलेगा सेटिंग का, पूरी कंप्लीट सेटिंग का लिंक जो है दोस्तों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों जानकारी अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।